नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। केंद्र के बाद अब नीतीश सरकार ने बिहार में पेट्रोल और डीजल में कम किया वैट। छठे चरण के पंचायत चुनाव में इतने प्रतिशत लोगों ने किया मतदान। प्राथमिक शिक्षकों को मिला दिवाली का तोहफा। बिहार के सरकारी कर्मियों पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से कम मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठे चरण के पंचायत चुनाव में इतने प्रतिशत लोगों ने किया मतदान। बीते दिन बिहार में छठे चरण के पंचायत चुनाव के तहत मतदान करवाया गया, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कुल मिलाकर के 37 जिलों के 57 प्रखंडों में 61.07% वोटिंग हुई, जिसमें 65.62% महिलाओं ने वोट किया। वहीं 56.52% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन हुए पंचायत चुनाव में सुबह से 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके बाद ये शाम तक जारी रही। हालांकि कुछ एक जगह पर छिटपुट घटनाएं की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन शाम होते होते ये स्थिति पर नियंत्रण पाकर चुनाव का आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक करवाया गया। सीएम नीतीश ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं आज दिवाली को लेकर बिहार में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दिवाली की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अनेकता में एकता की मिसाल है दीपों का ये महापर्व। प्रदेश में प्रेम और सद्भाव के साथ ही लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 23 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र कार्यक्रम की स्वीकृति, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वृद्धि दर की स्वीकृति, सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28% के स्थान पर 31% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचेतक के लिए 6 गाड़ियां क्रय करने के लिए आकस्मिकता निधि से 1,13,00,000 रुपए व्यय की स्वीकृति देने समेत अन्य मुद्दों पर मुहर लगी है। इतने रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। दिवाली के मौके पर बीते दिन प्रधानमंत्री ने समूचे देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क आज से क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दिया जाएगा। इससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। ज्ञात हो, इसको लेकर दिवाली की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की है, जिसके बाद केंद्र सरकार के फैसले का जनता दल यूनाइटेड ने भी स्वागत किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दीपावली की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है और लगभग हर रोज 30 से 35 पैसे प्रति लीटर महंगा भी हो रहा है। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। सीएम नीतीश ने दिवाली के मौके पर बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन की दरों में बढ़ोतरी का फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति दी है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने सरकारी सेवक, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28% के स्थान पर 31% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दे दी है। प्राथमिक शिक्षकों को मिला दिवाली का तोहफा। बिहार के सभी प्राथमिक शिक्षकों को दीपावली के पहले ही दिवाली का तोहफा मिल गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी शिक्षकों के बकाए राशि को रिलीज किया गया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही कुल मिलाकर 1700 करोड़ रुपए की राशि सभी शिक्षकों को जारी कर दी गई है, जिससे शिक्षकों के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से शिक्षक अपने वेतन का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब जाकर के उनके बकाए का भुगतान हो गया है, जिससे उनकी दिवाली और ज्यादा खुशियों भरी हो गई है। विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर निधि की व्यवस्था कर शिक्षकों के बकाए राशि के भुगतान की व्यवस्था की है। बिहार में 17 इथेनॉल इकाइयों को मिली अनुमति।
बिहार में इन दिनों एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार को बीते दिन बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शाहनवाज हुसैन ने ऐलान किया है कि बिहार में 17 एथेनॉल इकाई लगाए जाएंगे, जिससे कम से कम 5,000 करोड़ का निवेश होगा। इसका लाभ बहुत जल्द बिहार के किसानों को मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, वो देख लें कि 17 एथेनॉल इकाइयों को अनुमति मिल गई है, जिससे कि बिहार में उद्योग का माहौल बन गया है। साथ ही उन्होंने जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी भी बिहार में लॉन्च करने की बात कही है। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 7 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 1, पटना में 2, सारण में 2, वैशाली में 1 और अन्य राज्यों में 1 मामले की पुष्टि आई है। वहीं अन्य राज्यों से 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,16,829 सैंपल की जांच की गई। वहीं 8 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO से मिली मंजूरी। कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय सरकार और आम लोगों के सामने मौजूद है। यही कारण है कि भारत सरकार जोर शोर से लोगों का टीकाकरण करवाने में लगी हुई है। इसी बीच अब भारत के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत WHO ने कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोवैक्सीन को EUL की मंजूरी को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि टीका सुरक्षित और प्रभावी है। यह सुनिश्चित करने के लिए उसका पूरी तरह से मूल्यांकन करना होगा और साथ ही ज्ञात हो स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन उन 3 कोविड टीकों में है जिन्हें भारत के दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है, और इसका उपयोग राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के साथ किया जा रहा है। दरभंगा एम्स के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई 200 एकड़ जमीन। लंबे समय से दरभंगा वासी एम्स का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब जल्द ही उन्हें मिलने वाली है, क्योंकि दरभंगा एम्स के लिए निःशुल्क 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी गई है। बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर श्रम संसाधन विभाग और सूचना प्राविधिक विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भूमि एवं राजस्व विभाग राम सूरत राय और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे का आभार व्यक्त किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दरभंगा एम्स बन जाने से उत्तर बिहार के लोगों को उन सभी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो उन्हें पटना और दिल्ली में मिलता है। ज्ञात हो इससे पहले बिहार की सरकार ने दरभंगा और मिथिला के विकास के लिए दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के हेतु 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 336.76 करोड़ रुपए और अब एम्स के निर्माण के लिए 202 एकड़ भूमि का निःशुल्क स्थानांतरण किया है। सीएम नीतीश ने इशारों में विपक्ष का किया घेराव। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जीतने वाले उम्मीदवारों को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो जनता ही मालिक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए परिवार ही मालिक है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं बोला जनता सब देखती है, और जनता ने फिर से हम लोगों के काम पर विश्वास जताया है। दोनों विधानसभा उपचुनाव में सभी नेताओं ने जनसंपर्क किया, लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखी, विरोधियों ने भी अपना विरोध किया अपने तरीके से, जनता ने फैसला दिया है। देर रात लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए हुए रवाना। लंबे समय के बाद बिहार की धरती पर जब लालू प्रसाद यादव आए तो उम्मीदवारों को लगा कि राजद की नैया पार लगवाने में लालू प्रसाद यादव अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन परिणाम जब आए तो जनता ने नीतीश सरकार पर भरोसा जताया है, जिसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए रातों रात लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अपने चुनावी रैली के दौरान कहा था कि वो 1 महीने तक पटना में ही रहने वाले हैं, जिससे उम्मीद यही थी कि इस बार छठ में लालू परिवार में वही रौनक देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होता अब नहीं दिख रहा है। केंद्र के बाद अब नीतीश सरकार ने बिहार में पेट्रोल और डीजल से कम किया वैट। बिहारवासियों को दिवाली के मौके पर बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की घोषणा की गई, जिसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम करने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल में टैक्स कम किए जाने के बाद बिहार सरकार ने भी वैट कम करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 1.30 रुपए और डीजल पर 1.90 रुपए वैट कम करने का फैसला लिया गया है। यह छूट केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपए की कटौती के बाद आया है। बिहार सरकार के फैसले के बाद बिहार के लोगों को पेट्रोल 6.50 रुपए और डीजल 11.90 रुपए सस्ता मिलेगा। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के सरकार को अपने दम पर घुमाने की कही बात।
राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांध दिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार को जमकर घेरा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि वो निरंतर राजनीतिक अवसान पर हैं और हार रहे हैं। उपचुनाव में वो कम अंतर से भले ही जीत गए हों, लेकिन वो जानते हैं उनकी राजनीतिक किताब के अंतिम पन्नों पर हार ही हार लिखी है। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो हार कर भी जीत गए हैं। वो इस खेल की विधा को अच्छे से समझ कर सिंगल डबल्स के साथ साथ जरूरत के अनुसार चौके छक्के भी मार रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने पूछा कि लोग जनाधार और ताकत की बात करते हैं, तो बताइए कि बिहार में तेजस्वी के अलावा कौन सी पार्टी अकेले अपने दम पर औसतन 40% वोट प्राप्त कर सकती है? क्या अकेले नीतीश कुमार 11-12% से अधिक मत प्राप्त कर सकते हैं? टीम इंडिया के हेड कोच बने राहुल द्रविड़। लंबे इंतजार और पूरी प्रक्रिया के बाद आखिरकार राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वहीं रवि शास्त्री की जगह वो लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल आईसीसी T20 विश्व कप के बाद खत्म हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे द्रविड़ को भारत में 2023 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप तक 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार क्रिकेट सलाहकार समिति ने बुधवार को सर्वसम्मति से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राहुल द्रविड़ की टीम इंडिया के हेड कोच नियुक्त होने से क्या भारतीय टीम को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।